इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 35 सेंटीमीटर एक कार का व्हील है जिसका रेडियस दिया हुआ है ये कार का व्हील है इसका रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर का अब आगे क्या कह रहा है हाउ मनी रेवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रैवल थर्टी थ्री किलोमीटर इसको कितनी बार घूमना पड़ेगा थर्टी थ्री किलोमीटर कवर करने के लिए तो हम एक बार रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं कि टोटल थर्टी थ्री किलोमीटर कवर करने के लिए इसको कितना रेवोल्यूशन लेने पड़ेंगे तो हमारा रेडियस कितना दे रखा है व्हील का रेडियस ऑफ व्हील दे रखा है हमें दैट इज थर्टी फाइव सेंटीमीटर राइट और हमें एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है मतलब ये आउटर पार्ट चाहिए क्यों क्योंकि व्हील का आउटर पार्ट ही घूमेगा रोड पे तो इसलिए हम आउटर पार्ट की बात करते हैं और आउटर पार्ट का मतलब होता है हमारा सर और सर का फॉर्मूला होता है टू पाई आर तो टू पाई की वैल्यू होती है ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन और आर हमारा है थर्टी फाइव तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सेवन वन जा सेवन सेवन फाइव ज थर्टी फाइव तो ये कितना आ गया फाइव टू जा टेन दैट मीन्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर हमारा एक बार रिवॉल्व होने में व्हील कवर करता है डिस्टेंस राइट right? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रेवल्यूशन कितना है दैट इज टू ट्वेंटी सेंटी मीटर और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है दैट इज थर्टी थ्री किलोमीटर का आप देखिए ये सेंटीमीटर यूनिट है ये किलोमीटर है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे सबसे पहले किलोमीटर आता है फिर हैक्टोमीटर आता है फिर डेका मीटर आता है फिर मीटर आता है फिर डेसी मीटर आता है और फिर सेंटीमीटर आता है राइट तो बड़ी से छोटी यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी बार टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक वन लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया थर्टी थ्री को वन लैख से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री फोर फाइव ज़ीरो से तो ये आ गया थ्री थ्री और फाइव ज़ीरोज़ सेंटीमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया अब हमें नंबर ऑफ रेवल्यूशन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन का सीधा सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा टोटल जितना डिस्टेंस हमें कवर करना है उसको हम डिवाइड कर लेंगे कि एक बार रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है व्हील डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन तो कितना आ जाएगा देखिए टोटल डिस्टेंस था थर्टी थ्री के आगे फाइव जीरोज फोर फाइव और एक बार व्हील घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करता था टू ट्वेंटी सेंटीमीटर अब दोनों की यूनिट सेम है इसलिए हम इजिली कैंसिल कर सकते हैं तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ 11 टू ज ट्वेंटी टू इलेवन थ्री ज़ा थर्टी थ्री और फोर जीरोस टू वन ज़ा टू टू वन जा टू टू फाइव ज टेन और थ्री जीरोस दैट मीन्स फिफ्टीन थाउजेंड करेगा व्हील थर्टी थ्री किलोमीटर कवर करने के लिए आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज सिक्स वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एक सर्कल का एरिया दे रखा है और हमें इसका रेडियस निकालना है ये निकालना है तो रेडियस हमें पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आ सेंटीमीटर राइट तो एरिया दे रखा है हमें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है दैट इज पाए आर स्क्वायर राइट अब एरिया दे रखा है हमें सिक्स वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन और रेडियस हमने आर माना था तो आर स्क्वायर आ गया तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए सिक्स वन सिक्स अपनी जगह रहा जो ये सेवन डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया इधर आके और ट्वेंटी टू डिवाइड में आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे इलेवन टू जो ट्वेंटी टू इलेवन फाइव जो फिफ्टी फाइव इलेवन सिक्स जो सिक्सटी सिक्स टू वन जो टू 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 ज़ा फोर टू एट सिक्सटीन तो आर आ गया हमारा ट्वेंटी एट इंटू सेवन के इक्वल तो आर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में रख देंगे ट्वेंटी एट और सेवन को तो आर कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट को क्या लिख सकते हैं हम देखिए ट्वेंटी एट को अगर आप देखेंगे तो टू से गया टू वन ज टू टू फोर जट अगेन टू से टू सेवन ज फोर्टीन एंड सेवन वन जा तो इसको क्या लिख सकते हैं टू टाइम्स टू और वन टाइम्स सेवन एन टू सेवन तो सेम वैल्यूज उसके दो दो के पेयर बनाए और एक बार बाहर लिख दिया तो आर कितना आ गया हमारा फोर्टीन और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी इसलिए सेंटीमीटर इज द आंसर ले यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है मार्क टेक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताना है हमें एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें सर्कल का एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर इज़ तो हमें डायमीटर निकालना है कि ये डायमीटर कितना होगा तो देखिए हमें पता है यहाँ से ये रेडियस होता है और उसका डबल डायमीटर होता है तो लेट कर लेते हैं रेडियस अगर रेडियस हमारा आर है तो हमें एरिया दे रखा है इसमें सारे स्टेप्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है इसलिए एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर राइट अब एरिया हमें दे रखा है 154 फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर पाई की वैल्यू है 22 टू अपॉइंट सेवन और आर हमें दिया हुआ नहीं है तो आर कितना आ जाएगा 154 अपनी जगह रहा और सेवन जो इधर डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में आ गया और जो 22 उधर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे इलेवन टू जो ट्वेंटी टू इलेवन वन जो इलेवन इलेवन फोर जो फोर्टी टू वन जो टू टू सेवन जो फोर्टीन तो आर स्क्र कितना आ गया सेवन इंटू सेवन तो आर कितना आ जाएगा स्क्वायर हटाया तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट बन गया तो देखिए दो दो के पेयर बनाए सेम वैल्यू के और एक बार बाहर लिख दिया तो रेडियस आ गया तो डायमीटर कितना होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस तो टू इंटू सेवन कर देंगे तो ये कितना आ गया फोर्टीन और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया फोर्टीन सेंटीमीटर ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज फोर्टी फोर सेंटीमीटर इट्स एरिया इज अगर सर्कल का देखिए, अगर सर्कल का सर्कम्फ्रेंस दे रखा है तो हमें इसका एरिया निकालना है कैसे करेंगे सर कम फ्रेंस और एरिया निकालने के लिए हमारी कॉमन चीज क्या है रेडियस हमें अगर रेडियस पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं सर्कम फ्रेंस से और रेडियस हमें पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं लेट द रेडियस बी आ सेंटीमीटर अब सर्कम का फॉर्मूला होता है टू पाए आर तो सर दे रखा है फोर्टी फोर सेंटीमीटर टू एज इट इज पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन होती है इन टू आर तो आर कितना आ जाएगा आर अपनी जगह रहा फोर्टी फोर अपनी जगह रहा और जो सेवन यहाँ पे डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई हो गया और टू और ट्वेंटी टू डिवाइड में आ गए अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे टू वन जो टू 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 जो फोर टू टू जो फोर ट्वेंटी टू से ट्वेंटी टू कैंसिल हो गया तो रेडियस कितना आ गया हमारा सेवन सेंटीमीटर आ गया राइट right? अब एरिया निकाल लेंगे एरिए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अब पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन आर कितना था सेवन तो सेवन इंटू सेवन तो देखिए एक सेवन से एक सेवन कैंसिल हो गया तो एरिया कितना आ गया वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो दैट्स वाई आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज़ आर करेक्ट आंसर ले यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ